हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाहिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JSM जाहिद। आज की इस वीडियो में अगर आपके पास वीवो Y30s है और आप किसी भी ऐप पर लॉक लगाना चाहते हैं, यानी कि ऐप इनक्रप्शन को अनेबल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल JSM जाहिद सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपने सेटिंग को ओपन कर लेना है, मैंने भी सेटिंग को ओपन कर लिया है। यहां से आपने सिक्योरिटी के ऑप्शन पर टैप करना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन के ऑप्शन पर जाके आपने यहाँ पर पिन कोड, पैटर्न जो भी हो उसको आपने सेट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर क्वेश्चन 1 का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ से कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है और उसका वहाँ पर क्वेश्चन भी लिखना है, उसके बाद आपने उसका आंसर भी लिखना है, आंसर जो मर्ज़ी भी हो लिख देना है ताकि आपको याद रहे। तो चलिए मैं यहाँ से अपना क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ और उसका आंसर भी दे देता हूँ। तो चलिए ये स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपने तीसरा ऑप्शन है ऐप इनक्रप्शन का, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं ऐप इनक्रिप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से आप जिस ऐप को लॉक लगाना चाहते हैं, कोई भी ऐप हो, जिस व्हाट्सएप पर, एल्बम पर, कैलेंडर, क्रोम, जिस पर भी आपने लॉक लगाना हो उस पर आपने ऐप इनक्रिप्शन इनेबल कर देना है। तो चलिए हम कुछ ऐप हैं उनको हम इनक्रिप्ट करते हैं, यानी लॉक करते हैं। यहाँ से हम MX प्लेयर को भी इनक्रिप्ट कर दिया, फ़ोटोज़ को भी इनक्रिप्ट कर दिया, इस पर लॉक लग गया है। और आपने किसी भी ऐप पर लगाना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं और चेक करते हैं कि ऐप लॉक हो गया है, यानी कि ऐप इंक्रिप्शन काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ से हम बैक चलते हैं। यहाँ पर हम MX प्लेयर को ओपन कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं फिर उस पर ऐप लॉक लग गया है कि नहीं। यहाँ से हम MX प्लेयर को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप इनक्रिप्शन लगा हुआ है। यहाँ पर आपने फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर पहली बार आप ओपन करेंगे तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो उसे भी आपने टर्न ऑन कर लेना है। यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट को इनेबल करके पैटर्न इनेबल किया था, वो भी पैटर्न लगा के मैंने MX प्लेयर ओपन कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके।